सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो तुम्हारा भाई आ गया एक और नए ब्लॉग के साथ। आज तुम्हारा भाई आएगा तो शॉपिंग वॉपिंग का कर देंगे हम। आज तुम्हारे को पता होगा, ब्लॉग दिखाते हैं एकदम सही से। मामा तैयार हो ना फिर आप पक्की बात। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में वापस मिलता हूँ। तो गाइस अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मामा अब आप बता दो, देखो रेट पतंग वतंग सब अपने हिसाब से। भैया ये आए आज वीडियो बनाने जयपुर में मोहन पतंग वाले के यहाँ पर, जो कि अपने कांति नगर बनी पार्क में है और काफ़ी पुरानी दुकान है। ये मेरी सिस्टर का लड़का है जो कि अभी नया नया शौक लगा वीडियो बनाने का और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स है इसके बहुत कम समय में। अपना पतंगों काम है भाई लोगों, ये अपना मंजे का स्टॉक है और इन ये पूरा मतलब खाली चरकिया है और ये 6 रील के मंजे हैं और ये 12 रील के हैं, ये 12 रील के हैं और वो 3 रील के हैं। और इसी इन पतंगों के अंदर जो बैग बताता हूँ मैं आपको, इनके अंदर पोनी पतंग होती है जो मैदान में उठती है। मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या चीज़ क्या क्या है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, फ्रेंची चरकी आती है 12 रील में, इसमें काफ़ी डिजाइन है। रेट भी बता देना मामा। इसमें ये 12 mm की शीट लगेगी इसके ऊपर, 3D के अंदर है और इसमें ये 12 रील की, इसमें 9 रील की भी आती है। ये 500 रुपये की चरकी है और जो 9 रील की है वो 450 रुपये की आती है। इसमें 3D प्रिंट है और एक से एक डिजाइन आती है। ये देखिए इसमें 9 रील की मिल जाएंगी। ये छोटे बच्चों की, ये जयपुर में काफी फेमस है जो चरखियां बनाते हैं। काजी चरखी भी कहते हैं। ये शफी जयपुर की चरखी है, उनका ये निशान होता है, भी लिखा हो रहता है शफी जयपुर, ये उनकी चरखी है और 150 रुपये की चरखी है। और इसमें ये दूसरा डिजाइन है, ये भी 150 रुपये की चरखी है। उसके बाद मैं आपको मंजे की कैटेगरी दिखाता हूँ जो 3 रील से स्टार्ट होती है। ये अभी जयपुर में ऑलमोस्ट ट्रेडिंग पे है, ये मांझा अली मिर्जा के नाम से आता है। 3 रील है ये, देखिए मांझा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मांझा अली मिर्जा का है और ये 123 आर्टिकल पे है। ये 123 आर्टिकल का स्टिकर लगा हुआ है, मेरे को दिखाना है एक बार। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली ये मंजा यूज करता हूँ और ये एक नंबर मंजा है, मतलब जनरली बहुत तगड़ा मंजा है। मैं हर बार मैं तो मंजा ही लेके आता हूँ, कोई सा लेके नहीं जाता भाई, बेस्ट मंजा है। जयपुर में टेरिस के हिसाब से मंजा बनाते हैं भाई और बहुत अच्छा मंजा बन के आता है। इसमें 12 रील 6 रील में भी अवेलेबल है, 12 रील भी आता है लेकिन मेरे पास है नहीं स्टॉक में। मैं वही आपको चीज़ बताऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है। इसमें 6 रील का भी स्टॉक है, जो 6 रील का ही है। 3 रील की 500 रुपये प्राइस है और 6 रील की 1000 रुपये प्राइस है। ये देखिए ये 6 रील में भाई, तुम्हारे को क्या बताऊँ। तो ऐसे जो मंजे सॉफ्ट है ज्यादा वो भी नहीं, जो आते ना कड़क कड़क मंजे जिनमें बहुत ज्यादा कांच होता है, तो एकदम सॉफ्ट मंजे ज्यादा। देखो सुताई प्रॉपर है मंजे की, एकदम बेस्ट क्वालिटी का मंजा है यहाँ पे। और उसके बाद मेरे पास मंजे की काफी क्वालिटी है। ये मैंने अली मिर्जा का दिखाया, इसमें ये कासिम राजा है, इसमें 6 रील का अवेलेबल है। इसमें 6 रील 84 रुपये मिल जाएगी और इसमें 12 रील का भी आता है जो 84 रुपये, जो मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है। और उसके बाद बाई के सी 1100 भी है, जो काफ़ी नामी कारीगर है, बाई के यासिन छुट्टे के नाम से आती है। इनकी डोर भी मेरे पास मिल जाएगी, इसके 6 रील 12 रील दोनों अवेलेबल है मेरे पास। इसमें 84 रुपये 6 रील 12 रील वो भी अवेलेबल है मेरे पास। ये शानू चांद का मान जाइए, इसमें 12 रील भी आती है, 6 रील दोनों अवेलेबल है मेरे पास। इसमें शानू गोल्ड है, इसमें शानू है रॉयल शर्ट के नाम से आते, वो भी इन्हीं का ब्लॉक है, वो भी मिल जाएगी मेरे पास। और ये अब 1200 रुपये के सेगमेंट में चलते हैं, तो ये वाइट टाइगर के नाम से आती है डोर, काफ़ी पुराने कारीगर है ये भी बरेली के। और एक ये ब्लैक स्कॉर्पियो के नाम से भी आती है, ये भी 1200 रुपये की रेंज में है और बहुत अच्छी चरखी आती है अभी। ये NR के वाइट गोल्ड के नाम से आता है, 950 रुपये की चरखी है। और ये काफ़ी ये भी पुराने का नबी राजा खान जो है बहुत पुराने, इसमें भी इनके 7-8 ब्लॉक आते हैं, काफ़ी ब्लॉक आते हैं। NR के 2 रोज, NR के ब्लैक कमांडो और वाइट गोल्ड और 24,000 वोल्ट, काफ़ी ब्लॉक आते हैं, 5-6 ब्लॉक आते हैं इनके चरखियों के अंदर। अब मैं आपको 84 ब्लॉक बताता हूँ मैं आपको।
ये कासिम राजा का है, ये देखो ये कासिम राजा का है जो ब्लैक राजा के नाम से फेमस है। ये 8400 बीकानेर की चरखी के ऊपर है, इसमें भी काफी डिफरेंस कलर मिल जाएंगे। इसकी रेट भी बता दूंगा, इसकी 1500 प्राइस है। और ये जो 123 आर्टिकल है इसमें ये कलर है वो कासिम राजा के, ये ब्लैक हाँ। ये सब ये उसके लेंगे। अब आते हैं 12 रील के अंदर। 12 रील में मैंने अभी रोल छोड़े 6 रील में दिखाया आपको, ये 12 रील में मिल जाएगा ठीक है। ये इयाज बेग का बरेलोन में अवेलेबल रहता है हमेशा, इसके 2800 प्राइस है। उसके बाद ये गुड्डू पप्पू है, ये अभी काफी ट्रेडिंग में, ये भी 12 रील के अंदर। ये देखिए ये इयाज बेग का बरेल लोन, ये यूनिस इकबाल का है 7 स्टार। इसका दूसरा ब्लॉग भी आता है 9998 वो भी मिल जाएगा आपको। और एक तीसरा आता है लच्छी 307 के नाम से, वो मेरे पास है नहीं अभी। आप बहुत बिजी हो, खूब फोन आते हैं। ये YKC का 11920 ब्लॉक है और ये अभी अच्छी डोर बन के आ रही है इनकी, ये देखिए। और ये नौतार पांडा है सम्राट रिजवान का। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उसकी मंजे की सुताई वगैरह, देखिए ये रिजवान का काफी फेमस कारीगर है और 2023 कलकत्ता विनर का वो है मेकर, ये रिजवान अली। ये यूनिस इकबाल का 9998 ये आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको पतंगों में बताता हूँ, मजोली से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको, आप बाहर आओ भाई। तुम लोगों ने अभी तक चरखी का सब कुछ देख लिया, अब स्टार्ट करता हूँ पतंग से। ओ हाँ, पतंगों में आपको अच्छी रेंज दिखाता हूँ मैं। ये देखिए अद्दी है, ये 15 रुपये की अद्दी है भाई साहब। कागज बहुत स्मूथ है, मजा आती है, बहुत तगड़ा कागज। मैं भी ये पतंग लेके जाऊँ नए वाले पेपर पे, अजंता 4.7 बंद हो गया, ये अजंता 2 पर है। 5 kg का जो पेपर आता है उसके ऊपर है पतंग। कितने की पतंग है हमें? 15 रुपये की ठीक है। ये 20 रुपये की पतंग है, ये भी अद्दी साइज है, ये भी नए वाले पेपर पे है। और आप इसकी जो फिनिशिंग है पतंग की अभी देखिए, यहाँ से पतली नोक उतरती हुई यहाँ तक मोटाई तक आ गई, एकदम बारीक काम करा हुआ है। देखो यहाँ से पतंग का जो गद्दा लगेगा ना एकदम बढ़िया लगेगा यहाँ से। वो सिकाई आप देख लीजिए, सिकाई के क्वालिटी के पेपर के पैसे इसमें। ये 20 रुपये की पतंग है। अद्दी में 2 सेगमेंट में आपको पौनी पे लेके चलता हूँ। चलो ये देखिए 18 रुपये की पौनी है ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ खजाने खोल रहे हैं भैया, खजाने। ये 16 रुपये की पौनी है। ये भी 18 रुपये की पौनी है। ये गोल फर्मे में जो कि 1000-1500 पे पतंग लड़ाते हैं, गोल फर्मे की पतंग है डमरू टाइप में, ये 2200 रुपये पतंग है, बहुत अच्छी पतंग है। ये सबरी के पतंगे अजंता पुराने वाले पेपर पे, ये भी बहुत अच्छी पतंग है, छोटे पेजों के लिए जो 300-400-500 पेज लड़ाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पतंग है। ये नाजी में स्टे वाले की पतंग है और अजंता पे 4.7 पे।
भाई मेरी जानकारी में जयपुर का यहाँ पे बेस्ट कलेक्शन है। अभी तो थोड़ा स्टॉक कम है, स्टॉक आ रहा है और आ रहा है अभी जैसे जैसे दिन पास में और आया जा रहा है। तुम लोगों को यहीं पर आना है भाई, बेस्ट कलेक्शन मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। ये अनवर की पतंग है, 26 रुपये की पतंग है ये, और टूर्नामेंट जो लड़ाते हैं उनके लिए भी पतंग अवेलेबल रहती है मेरे पास भाई। वो लोग आ सकते देखो यहाँ से। ये देखिए हैदर की पतंग है, ये मुरादाबाद वाले की, बहुत अच्छी पतंग है, 26 रुपये पतंग है अजंता पेपर। ये अजंता पे नाजिम की पतंग है बिना स्टीयर वाली, ये 26 रुपये की पतंग है। अजंता 4.7 पर है, कलर बहुत अच्छा है। इसमें ऑर्डिनर होगी क्या? नहीं यही है सिंगल। वो फैशनेबल वाली पतंग तो मिल जाती है ना। ये मेरठ की पतंग है, मेरठ उमर भाई की, 40 रुपये पतंग है। ये शादाब कुरैशी की पतंग है मेरठ वालों की, ये 50 रुपये की पतंग है। भाई आज मामे व्लॉग शूट कर रहे हैं जरा देखा जाए तो। ये जो तस्लीम की शागिरत है मेकर रिजवान ही है, उनकी पतंग है, इनकी पतंग बहुत अच्छी आती है और 22 रुपये पतंग है केवल। देखिए आरएम की पतंग है, ये भी 22 रुपये की पतंग है और ये बहुत अच्छी पतंग है, अजंता के ऊपर है ये 4 पॉइंट। जो ये पेपर अजंता इसलिए क्योंकि अजंता पेपर बंद हो चुका है, इसका एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। इसकी पतंग जो आती थी ना, अभी जो पेपर आ रहा है ना, नए पेपर आ रहा है खटीमा पेपर, अभी जो पतंग जो पुरानी वाली ना अजंता पे जो पुराना स्टॉक रखा हुआ है। पतंग बहुत अच्छी आती है अजंता के ऊपर, बड़ा पतंग, बड़ा पतंग भाई ये बहुत। मैं आपको मजूरी का कलेक्शन दिखा दूंगा। चलो भैया कैमरामैन कृपया करके अपनी लिमिट में रहे। देखो ये मजूली 8 रुपये में, इसमें 4-5 डिजाइन मिल जाएगी। देखिए ये भी इसमें, ये भी है और इसमें प्लेन भी मिल जाएगी। प्लेन कौन से कलर मिल जाएगी? ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू भाई तुमको प्लेन भी मिल जाएगी इसमें। देखिए प्लेन पतंग है, इसमें ब्लैक भी मिल जाएगी, ब्लैक है। ये मात्र 8 रुपये की पतंग है, ये पतंग भी अच्छा था भाई, जो अपन उड़ाते हैं वही है। और ये बरेली के फेमस कारीगर है जफरनिया जी, ये इनका स्टीयर है। और ये हमारा लोगो, ये मोहन पतंग वालों का, ये 15 रुपये की आती है, इसमें 3-4 डिजाइन है। एक ये हो गई, एक ये होगी 2, एक ये 3, वही 4 डिजाइन है सिर्फ। अब दिए 15 रुपये की, अरे मान लो बंद हो गई। जयपुर की बनेगी शहीद भाई की आड़ी है भाई, इस पतंग की खैर एक नंबर है। मैं यार बोल नहीं पा रहा एक्चुअली, मामा तुम लोग के अंदर पागल है भाई, हमारा लात के बीच में लाया जाता है क्रैक है भाई। मेरे पतंगों का काम नहीं होता, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, मामा को ज्यादा नॉलेज है तो मुझे ये लगता है कि मेरे को मामा को ज्यादा बोलने देना चाहिए, इसलिए मैं मामा को ज्यादा बोलने दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं अभी इतना। भाई तुम लोगों ने अभी तक वो देख लिया सब कुछ कैसा कैसा था पतंग चलिए, अब तुम्हारा तुम्हारे को यूनिक दिखा दो, फटाफट आता भाई यूनिक पतंग वाली। देखो ऐसी पतंग यूनिक पीस पतंग है भाई, हर जगह नहीं मिलती पतंग। हाँ भाई ये तो कुछ नया ही है भाई, इनकी रेट में तो जा रहा हूँ। ये 35 की पतंग है भाई, वर्थ इट है, 35 प्रो इज वर्थ इट है भाई।
ये मस्त है बहुत। ये पतंग बहुत प्यारी है भाई, डिजाइन अल्टीमेट है। हाँ बहुत तगड़ी तरह की डिजाइन है, ऐसे डिजाइन मैंने तो पहली बार देखी है। डिजाइन प्लस क्वालिटी भी डिपेंड करती है, क्वालिटी। हाँ मेरा लिमिया जफरनिया जी, ये एक से डिजाइन है इसके अंदर। ये यूनिक डिजाइन होगा भाई, यूनिक। और ये देखिए ये काइट की जो प्रॉपर टाइप है वो है ये, इसमें भी एक से एक डिजाइन मिल जाएगी आपको। देखिए ये स्टार वाली हो गई, ये विदाउट उसमें हो गई स्टार में प्लेन, और इसमें भी कलर अलग अलग है, ये ब्लू भी है, ये ग्रीन भी है, ये वाइट भी है। भाई देख लो पतंग में तो इसकी है ना टेप भी अलग से आती है, और अपन तो क्या कुछ भी लगा देते भाई, ये वाला लगा लो टेप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग तक है वीडियो थी ये बेसिकली। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना। और तुमको ना सारी मामा की फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सबकी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना, मामा की आईडी पे लगना चाहिए भाई, पास तो लगना। चलो ठीक है भाई, और आप सभी को जय श्री राम।